हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपके लिए ये एक जरूरी सूचना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा गया है कि बेसिक शिक्षक सिर्फ डीएलएड टीईटी वाले ही बन पाएंगे। ठीक है, तो क्या है पूरा न्यूज, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन पर आप क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसे कि हम देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज कि बेसिक शिक्षा सिर्फ डीएलएड वाले टीईटी वाले ही बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल या फिर हम कह सकते हैं कि डायट स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्राथमिक क्लास में भी जो ना ही डीएलएड किए हैं और ना ही टीईटी किए हैं उनको भी शिक्षक बना दिया जा रहा है, कम पैसे देकर उनको शिक्षक बना लिया जा रहा है। लेकिन जो डीएलएड किए हैं, टीईटी इतनी मेहनत से पास किए हैं, उनका सब बेकार जा रहा है। इसलिए अब ये लागू हो गया है कि वही सिर्फ टीईटी मतलब वही बेसिक शिक्षक बन पाएंगे जो डीएलएड किए हैं, टीईटी किए हैं। तो अगर अब आप डीएलएड कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर कर लिया है, तो आप ही बेसिक शिक्षक में शिक्षक बन सकते हो और आपका सपना पूरा हो सकता है। तो अब तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड में बहुत ही बैक पेपर जाता है। और आप टीचर तभी बनोगे जब डीएलएड पास करोगे, टीईटी पास करोगे, तभी आप टीचर भी बनोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पूरा क्या है न्यूज की। लिखा गया है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बेसिक शिक्षक डीएलएड और टीईटी पास कर चुके लोग ही बन पाएंगे। सोमवार से बेसिक शिक्षा नियुक्ति मानक पूरी, ठीक है, सोमवार से बेसिक शिक्षा नियुक्ति के मानक पूरी तरह से लागू हो गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। पहले क्या था कि सिर्फ ऐसे ही मतलब कहा जा रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के केवल 31 मार्च 2019 तक ही जो मतलब शिकायत मिली थी कि इसके साथ ही डीएलएड और जो ब्रिज कोर्स और टीईटी न कर पाए शिक्षकों को शिक्षा मित्रों पर तत्काल इस पे मतलब कार्रवाई लटक रही है। तो इस पे दूसरी तरफ से शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार फिलहाल कह रही है कि सूत्रों के अनुसार MSRC के अधिकारियों का कहना है कि NCTE के मानक अस्थायी नियुक्ति वाले शिक्षक के लिए अस्थायी और मानदेय पर काम करने कहते हैं इसके दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरे शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता को लेकर हाई कोर्ट में भी यानी एक मामले में फैसला आना अभी भी बाकी है। तो पूरा न्यूज यही है, ठीक है, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब पूरा इसका यही मोटिव है, क्योंकि ऐसे बहुत शिक्षक बन जा रहे हैं, ना ही डीएलएड किए हैं और ना ही टीईटी किए हैं। तो फिलहाल मुझे आप सभी को बस यही इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपका पेपर बैक चला जाएगा। और जब बैक चला जाएगा, अगर दो पेपर या एक पेपर बैक होता है तो फिर आपको फिर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन तो मिल जाएगा, फिर भी आपको बैक पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर बैक चला जाता है तो फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवा पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरा मन डीएलएड में लगा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।